नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आपको याद है पिछली बार जब हम नानी के घर गए थे, नानी ने एक कहानी सुनाई थी कि मैं अपने दोस्त का मजाक उड़ाता था, फिर बाद में हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हाँ, तब तक हम थोड़े बड़े हो गए थे, हमारे अंदर एक शो ऑफ वाला एटीट्यूड आ गया था। हम हर चीज शो ऑफ करते थे क्योंकि पूरे साल पापा ने इतना पैसा दिया, हर शौक पूरे किए, जो ख्वाहिशें की वो पूरी की। तुम कुछ दिन के लिए पापा से अलग जा रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमने पापा की जेब से पैसा निकाल लिया। पापा ने हमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि पता ही नहीं चला। हम नानी के घर पहुंचे, मम्मी का फोन नानी के पास आया और नानी ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। नानी ने मुझे पास बुलाया और फिर कहा कि आज तुम कहानी नहीं सुनोगे। मैंने कहा क्यों नहीं नानी, कहानी सुनने तो आपके घर आता हूँ, सुनाई ना कहानी। कि ठीक है बैठ जाओ, ध्यान से सुनना। कि हाँ नानी, कि एक गांव में एक मजदूर रहता था, बहुत ही गरीब, पूरे दिन कमाता था, शाम को घर में खाना तब बनता था। कभी कभी तो उसे मजदूरी नहीं मिलती थी तो घर में खाना नहीं बनता था, लेकिन वो भूखे पेट सोता था, अपने बेटे को या अपनी बीवी को भूखे पेट नहीं सोने देता था। एक दिन वो मजदूरी करके लौट रहा था तो उसे एक रास्ते में घायल मुर्गी मिली, उसने उसे उठा लिया, वो घर लेकर आया तो उसकी बीवी ने बहुत हायतौबा की, अरे आपने खाने के लिए दाना नहीं है, तुम ये मुर्गी उठा लाए हो, कहाँ रखोगे, कैसे क्या खिलाओगे, कैसे करोगे। मजदूर ने कहा शांत, भगवान ने पेट दिया है तो दाना भी देगा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तो वो मजदूर ने उस मुर्गी को मरहम पट्टी की, उसे बिठाया, दो तीन दिन में मुर्गी ठीक हो गई, दाना वाना चुगने लगी सारी चीजें। तो एक दिन उसकी बीवी ने सोचा कि अब मुर्गी को छोड़ देते हैं। वो सुबह सुबह जब मुर्गी के पास गई तो मुर्गी को उठाया तो देखा मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है, वो भी सोने का। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सोने का अंडा। वो दौड़ कर गई अपने पति के पास, अरे सुनो सुनो मुर्गी ने अंडा दिया। ये कौन सी नई बात है, मुर्गी तो अंडे देती है। अरे नहीं नहीं, सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? वो भी दौड़ के, दोनों दौड़ के देखा और दोनों खुश हो जाते हैं कि हमारे गरीबी वाले दिन खत्म हो गए, अब हम सारे शौक पूरे कर सकते हैं, यानी कि हम समय से खा पाएंगे, अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, सारी प्लानिंग कर ली। बाद में वो एक अंडा उठाया और बाजार में बेचने चला। अब वो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती, मजदूर रोज उसे बेचकर आता, पैसे लेकर आता, उसने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, बच्चा जो चाहता था उसे वो कराया, साइकिल दिलाई, फिर बाइक दिलाई, धीमे धीमे बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन मुर्गी रोज एक अंडा दे रही थी। अब उसका घर बड़ा हो चुका था, बीवी अशोरा बने रही थी, घर में नौकर चाकर थे, सारी चीजें थी। मुर्गी आज भी सोने के अंडे दे रही थी। उसके बेटे को एक शौक लग गया पैसा उधार बांटने का, ब्याज भी देता था कि ये लो पैसे, ये लो पैसे, मतलब ब्याज में उल्टा लेता, यानी इनकम डबल करनी थी उसे। अब एक दिन ऐसे ही उसके पास ऑफर आया कि मुझे तुम आज 5 लाख रुपए दे दो और कल मैं तुम्हें उसके 10 लाख दे दूंगा। उसके पास केवल 2.5 लाख रुपए थे, एक अंडा 2.5 लाख का ज्यादा था। तो उसने कहा क्यों ना मुर्गी से एक अंडा, लेकिन उस दिन का अंडा उसका पिताजी बेच चुके थे, उस दिन घर में और भी पैसा नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना इस मुर्गी के पेट से मैं सारे अंडे निकाल लूं, रोज रोज का झंझट ही कर, मैं इसके पेट से सारे अंडे निकाल लेता। वो अपने पिताजी से चुप के गया और उसने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट फाड़ दिया, मुर्गी मर गई, अंदर कुछ नहीं निकला, एक भी अंडा नहीं। अब उसके बाप को मालूम पड़ा, उसकी माँ को मालूम पड़ा, उन्होंने उसे समझाया बेटा ऐसे नहीं होता है। अब तीनों बैठ के बहुत रोए कि हमने ये क्या कर दिया, हमने अपने रोज के आने वाली एक इनकम को खत्म कर दिया, रोज एक सोने का अंडा मिलता था, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दोनों बहुत परेशान, दोनों दुखी, और मजदूर तो उसका रो रो के बुरा हाल था क्योंकि उसने बुरा वक्त देखा था और अच्छे वक्त की जो वजह थी आज उसी के बेटे ने वो वजह खत्म कर दी। फिर उसके बाप ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया, अब तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन बेटा लालच बहुत बुरी बला है, आज तुमने अपना पूरा भविष्य खत्म कर दिया सिर्फ एक छोटे से लालच की वजह से।
उसका बेटा शर्मिंदा था और कुछ नहीं बोल पाया। नानी ने कहा कि समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। नानी कहा, नानी सॉरी। नानी ना, क्यों, किस बात के लिए सॉरी? नानी, मैंने ना पापा की जेब से पैसे चुराए थे। वो मुझे पैसे रोज देते थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। क्यों, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए तुम्हारे? नहीं नहीं नानी, वो गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा मैं, आगे से कभी कोई चोरी नहीं करूंगा। जो जो मिलेगा मैं उसमें खुश रहूंगा, कभी कोई ख्वाहिश नहीं रखूंगा। सॉरी सॉरी नानी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना? हाँ नानी, मैं पापा को सॉरी बोलूंगा। पापा को सॉरी बोलो, सबसे बड़ी बात तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया, पापा को सॉरी बोला, पापा ने कहा ओके, लेकिन आगे से मत करना, ये गलत चीज़ है। पापा ने भी नहीं डांटा, वो सारी चीज़ें एकदम खुशी खुशी सारी चीज़ें हुई, मैं अपना पूरा खेला कूदा, मस्ती की। तो ये थी आज की कहानी, हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच वाकई में बहुत बुरी बला है। कभी कभी हाथ में आई हुई चीज से ज्यादा पाने की कोशिश में वो हाथ में आई हुई चीज भी चली जाती है, समझे? तो जो चीज है उसकी वैल्यू करो, जो चीज नहीं उसे पाने की कोशिश करो, लेकिन सही वे में, गलत तरीके से नहीं। तो ये थी आज की कहानी, नानी की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी, या फिर ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हुआ है, या आपके बच्चों ने किया है, या फिर आपने बचपन में किया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्कार।